दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म द जोया फैक्टर को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को या आपके चैनल को कोमल नाटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। द जोया फैक्टर एक रोम कॉम है, भरपूर रोमांस है और उससे भी ज्यादा कॉमेडी है। एक्चुअली कहानी कुछ इस प्रकार की है, सोनम कपूर जो है वो बहुत लकी है दूसरों के लिए, खुद के लिए अनलकी है। उनकी लव लाइफ बेकार है, हर लड़का उन्हें रिजेक्ट कर देता है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ही ख़राब है क्योंकि उनकी बॉस उनसे हमेशा नाराज़ रहती है, वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती है। और दूसरी तरफ है दुलकर सलमान जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। और जहाँ सोनम कपूर आहूजा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी है और इसलिए लक में बहुत विश्वास रखती है क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था जब से वो जन्मी है, जब से वो पैदा हुई थी तब से दूसरों के लिए बहुत लकी साबित हुई, वहीं पर दुलकर सलमान लक में विश्वास ही नहीं रखते हैं। उनका ये सोचना है कि हार्डवर्क, टैलेंट, परसिवियरेंस, इनसे आप क्रिकेट मैच जीत सकते हैं, ना कि लक से। और इत्तफाक की बात यह है कि जब ये दोनों मिलते हैं, दुलकर सलमान की टीम के मेंबर्स सबको विश्वास हो जाता है कि सोनम कपूर आहूजा के लक की वजह से ही उनकी टीम जीत रही है क्योंकि उससे पहले वो टीम अंडर परफॉर्म कर रही थी। अब दुलकर सलमान को बहुत गुस्सा आता है। एक तरफ दुलकर सलमान और सोनम कपूर आहूजा का इश्क चालू है, मोहब्बत हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें एहसास होता है कि सोनम कपूर आहूजा को पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है ये बात क्योंकि ही इज अगेंस्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ लक। और उसके बाद क्या होता है, एक विलन भी है अंगद बेदी जो कैप्टनसी हासिल करना चाहते हैं, उनके मामा जो मैनेजर हैं, मामा और भांजा मिलके कुछ खिचड़ी पकाते हैं। तो सारांश में ये कहानी है, बहुत ही फनी स्क्रिप्ट है। दिस वन इज बेस्ड ऑन अ नॉवल ऑफ द सेम नेम रिटन बाय अनुजा चौहान और स्क्रीन प्ले जो लिखा है प्रद्युमन सिंह माल और नेहा शर्मा ने और एडिशनल स्क्रीन प्ले इज बाय अनुजा चौहान। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस प्रकार की स्टोरी हमने हिंदी पर्दे पर नहीं देखी है। स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है और इंटरेस्टिंग भी है, एंड कॉमेडी का फ्लेवर इतना ज्यादा है कि पूरी फिल्म में आप हंसते रहते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा हंसी आती है, जोर की हंसी आती है, खुशी के मारे आप शायद दो चार जगह तालियां भी बजा ले। एंड द डायलॉग्स बाय अनुजा चौहान एंड प्रद्युमन सिंह माल आर वेरी गुड, एक्सेप्शनल डायलॉग्स हैं। इनफैक्ट क्योंकि क्रिकेट का खेल दिखाया गया है तो क्रिकेट कॉमेंट्री एक बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म का और वो क्रिकेट कॉमेंट्री लिखी है अनंत सिंह ने, और कहना पड़ेगा दैट क्रिकेट कॉमेंट्री इज अमेजिंग। अनंत सिंह जो डायलॉग राइटर है उन्होंने लाजवाब काम किया है। इनफैक्ट ना केवल क्रिकेट कॉमेंट्री के डायलॉग्स बट पूरी फिल्म के डायलॉग्स इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि तीनों डायलॉग राइटर्स को, प्रद्युमन सिंह माल, अनुजा चौहान एंड ऑफकोर्स क्रिकेट कॉमेंट्री के डायलॉग राइटर अनंत सिंह को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। और अगर परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, सोनम कपूर आहूजा स्प्रिंग्स अ सरप्राइज, शी इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल लगी है, बहुत ग्लैमरस भी नजर आई है एंड काम भी अच्छा किया है। यस, शी हैज रियली वर्क्ड वेरी हार्ड एंड द रिजल्ट शो बिकॉज बहुत अच्छी लगती है जब भी वो स्क्रीन पर आती है, आपको हंसा कर जाती है। कुछ सीरियस सीन्स हैं उनमें भी उनका काम मजेदार है, अच्छा है। एंड दुलकर सलमान जो है ही इज वन हेल ऑफ एन एक्टर, अगर वो हिंदी सिनेमा में परमानेंटली आ जाते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज वो इतने बढ़िया एक्टर है। उनकी सेंस ऑफ टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो एक्ट करने का स्टाइल है वो इतना बढ़िया है कि यहाँ के हिंदी सिनेमा के एक्टर्स को शायद डर लगने लग जाए। ऑफकोर्स ही इज अ वेरी फाइन एक्टर डाउन साउथ, मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर हैं, हिंदी में भी वो छा जाते हैं एंड बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए लड़कियां तो मानो दीवानी हो जाएगी उनकी। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबके नाम नहीं लिए जा सकते हैं, बट संजय कपूर हो या सिकंदर खेर हो, अंगद बेदी हो, मनु ऋषि चड्ढा हो, कोयल पुरी हो, ऑल ऑफ देम हैव एक्टेड सो वेल कि मजा आ जाता है। In fact, you enjoy everybody's acting. The script is nice. The dialogues are fantastic. And जो drama है, वो drama इस प्रकार से move करता है कि आपको सोचने का मौका नहीं देता है. And cricket commentary, of course, is the best part of the film. For instance, एक बाहुबली का dialogue है. आपकी हंसी रुकेगी नहीं, बहुत जोर की हंसी आएगी. Similarly, एक आधार कार्ड का dialogue है.
उस डायलॉग में भी आप इतना जोर से हंसेंगे कि बस ही बस। और इस प्रकार के कम 40-50 डायलॉग्स हैं जिनमें आपको हंसी आएगी। ओवरऑल द जोया फैक्टर इज अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, बहुत मजेदार फिल्म है। इट रेस्ट ऑन कॉमेडी, लेकिन रोमांटिक ट्रैक भी अच्छा है एंड एक दो हार्टफेल्ट सीन्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है कि ये बहुत दिल से और दिमाग से दोनों से बनाई गई फिल्म है। सो ऑल इन ऑल द जोया फैक्टर इज एन एंटरटेनिंग फिल्म। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज द जोया फैक्टर कई और फिल्मों के साथ लगी है, जैसे कि प्रस्थानम, पल पल दिल के पास एंड द हॉलीवुड फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड, और इसलिए इस फिल्म को शोज बहुत कम मिले हैं। इनफैक्ट सारी फिल्मों को शोज बहुत कम मिले हैं मल्टीप्लेक्सेस में, क्योंकि दो फिल्में जो ऑलरेडी चल रही थी छिछोरे और ड्रीम गर्ल, उनको सबसे ज्यादा शोज अभी भी मल्टीप्लेक्सेस ने अलॉट किए हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है दोनों फिल्में। और इसलिए ये जो आज की रिलीज हुई फिल्में हैं वो अगर अच्छी भी है, जैसे द जोया फैक्टर अच्छी है, कुछ बहुत ज्यादा हासिल होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शोज इतने कम हैं कि कौन सी पब्लिक अंदर आएगी, बाहर निकलकर क्या कहेगी। डिस्पाइट बीइंग अ लवली एंटरटेनर, ये फिल्म अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ फॉल्टी रिलीज। इस फिल्म की रिलीज गलत है, ये गलत हफ्ते में आई है। अगर ये सोलो रिलीज होती या केवल एक फिल्म के साथ रिलीज होती और कोई भी फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही होती सिनेमाघरों में, तो द जोया फैक्टर वुड हैव डेफिनेटली वर्क्ड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। इट डिजर्व्स टू सक्सीड। अभिषेक शर्मा जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनका काम बहुत बढ़िया है, बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर है, क्योंकि कॉमेडी सीन्स में वो बहुत हंसाते हैं, लेकिन जो हार्टफेल्ट सीन्स है उनमें उनका डायरेक्शन देखने लायक है, बहुत ठहराव है उनके डायरेक्शन में। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी फाइन एंटरटेनर। दोस्तों आपको हमारा ये रिव्यू ऑफ द जोया फैक्टर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा अगर आपने द जोया फैक्टर देखी है तो आपको फिल्म कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी तो क्या कमियां थी। थैंक यू, शुक्रिया।